समाज में जो भी मुद्दे 23 वर्ष से हम लोग उठाए, धर्म कोट का मसले हो, पांचवी अनुसूची का मसले हो, स्थानीय नियोजन नीति का मसले हो, यहाँ का कारोबार का मसले हो, भाषा का मसले हो, तो ये सभी मुद्दे अभी तक धरा का धरा रह गया। 2000 में जब अलग राज हुआ उस समय जो गाना गाते थे अभी भी वही गा रहे हैं, तो क्या अभी मर जाएंगे हम लोग क्या? जमीन बचाने की बात करते हैं, जमीन धड़ल्ले से और लुटाता जा रहा है। हमारी व्यवस्था की जमीन जो खरीद बिक्री से बाहर है उसे तक नहीं छोड़ा जा रहा जमीन दलालों के द्वारा। यहाँ भू माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, पत्थर माफिया, सब माफिया यहीं इसी राजनीतिक पार्टियों के पास है और सारे लोग हमारे झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी भी हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मार खा रहे हैं, पुलिस से गाली खा रहे हैं, जो जमीन लूट हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और अभी तो तत्काल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, चंपई सोरेन, इनमें भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। रांची भी आदिवासी का 8 लाख वोट था, हम लोग ने गलती किया गठबंधन को मदद करके, हम आदिवासी पार्टी को खड़ा करना चाहिए था। भाषा की पढ़ाई होगी कह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, उस पर भी एक कौज लगा दिया जा रहा है कि सर्वे होने के बाद किया जाएगा। संस्कृत की पढ़ाई क्या सर्वे होने के बाद कराए थे? क्या राजनीतिक पार्टियों को मैं जब जिता के लाता हूँ, क्या वो राम मंदिर के लिए, क्या हमारे रांची मंदिर के लिए? वो कहे कहता है कि हम राम मंदिर बना रहा हूँ, ये कहता हूँ कि मैं रांची मंदिर, रांची क्या मंदिर है, पहाड़ी मंदिर को मैं जीर्णोद्धार करूंगा, इसको पर्यटक स्थल बनाऊंगा, क्या मैं इसके लिए आया हूँ? मैं इसलिए नहीं लेकर आया हूँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को यहाँ पे संरक्षण मिले, उसका जल जंगल जमीन बचे, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको रोजगार का अधिकार मिले, ना कि उनको और धर्म पे लड़ाया जा रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइएगा तो दिल्ली, बॉम्बे, गोवा और अन्य जगह में यहाँ से रेजा कुली काम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी हमारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट होकर के चली जा रही है, बहुत सारे आ रही है और बहुत सारी लोगों का उधर ही कहाँ गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? 6 महीने में ही 5 विधायक, 1 सांसद निकाला, तो पूरे राष्ट्रव्यापी के तौर पर हम भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में लाएंगे और 9 जुलाई 2024 को नया उलगुलान की शुरुआत होगी हमारा विधानसभा मैदान में, वहीं से नौजवान इसमें जीत के जाएंगे। साल 2024 झारखंड के लिए चुनावी वर्ष है, अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसके बाद झारखंड के जितने भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, सामाजिक संगठन हो या आम जनता हो, सभी का ध्यान अब विधानसभा चुनाव पर है। और यहाँ पर देखिए झारखंड में यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है इसे त्रस्त होकर उत्तरी छोटा नागपुर में जयराम महतो की जो पार्टी है वो तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने है, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर की जहाँ तक हम बात करें यहाँ अब भी तीसरे विकल्प के लिए लोग ढूंढ रहे कि कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन हमारे लिए सोचेगा। फिलहाल तीसरे विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी बहुत जल्द झारखंड में दिखने वाली है। मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं यही भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में लॉन्च करेंगे। फिलहाल बातचीत करते हैं इनके साथ, क्योंकि पहले जब आप इनको देखते हैं तो ये एक आदिवासी सामाजिक चेहरे के रूप में आपको दिखते हैं, सामाजिक संगठन के रूप में देखते हैं, बहुत जल्द पार्टी के रूप में आप इनको देखेंगे। बातचीत करते हैं सबसे पहले प्रेम साहिदा से। दादा, हम लोग जब आपको देखते थे तो सबसे पहले हमें सामाजिक संगठन याद आता था, अब क्या है कि अब क्या पार्टी में आप जा रहे हैं, क्या है भारत आदिवासी पार्टी और क्यों जा रहे भारत आदिवासी पार्टी में? देखिए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी में इसलिए जा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीति है और हम लोग राजनीति से दूर रहते हैं। समाज में जो भी मुद्दे 23 वर्ष से हम लोग उठाए, धर्म कोट का मसले हो, पांचवी अनुसूची का मसले हो, स्थानीय नियोजन नीति का मसले हो, यहाँ का कारोबार का मसले हो, भाषा का मसले हो, तो ये सभी मुद्दे अभी तक धरा का धरा रह गया। 2000 में जब अलग राज हुआ उस समय जो गाना गाते थे अभी भी वही गा रहे हैं, तो क्या अभी मर जाएंगे हम लोग क्या? तो अब हम लोगों ने रिसर्च किया कि भीमराव अम्बेडकर ने सही कहा था, इसका एक ही विकल्प है कि सामाजिक मुद्दे को सत्ता के रास्ते से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और जो भी राजनीतिक पार्टी है, भाजपा के लोग चाहे मुक्ति मोर्चा के लोग, अभी भी मुद्दे को लेकर के कभी भी बात नहीं किया। आप देखिए पेशा कानून आज बात कर रहे हैं, चुनाव 3 महीने बाद थे, आप इतना दिन क्या कर रहे थे? आदिवासी की जमीन लूट हो रही है, गोलियाँ चल रही है, संज्ञान ली जा रही है, तो सभी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि भाई अब नहीं,
अब हम एक ही जो हमारा समाज का पार्टी बना है, 6 महीने में ही 5 विधायक, 1 सांसद निकाला, तो पूरे राष्ट्रव्यापी के तौर पर हम भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में लाएंगे और 9 जुलाई 2024 को नया उलगुलान की शुरुआत होगी हमारा विधानसभा मैदान में। वहीं से नौजवान इसमें जीत के जाएंगे, मैं नौजवान को तैयार करूंगा, ये भारत आदिवासी पार्टी की शुरुआत होगी और सदन में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जितने भी बूढ़े बूढ़े आदिवासी नेता है ना, कभी भी इस बात को नहीं रखता, कभी बोले देखते हैं विधानसभा में कोई बोलता है तो पार्लियामेंट्रियन बनाएंगे हम इन लोगों को, और बनाने के साथ संगठन को तेज करेंगे, टोला कमेटी बनाएंगे और गांव में जा करके एक स्थापित करेंगे झारखंड में कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी पार्टी चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। ये हम आज आपके सामने में कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए, खासकर झारखंड में आदिवासियों का बड़ा चेहरा, यहाँ पे बड़ी पार्टी कह ले झारखंड आंदोलन के समय से अब तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के झारखंड के जितने भी आदिवासी है जेएमएम पे बहुत भरोसा करते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आपको लग रहा है कि जेएमएम में वो ताकत नहीं है इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी कर रहे हैं, या फिर जेएमएम को पूरी तरह से आप सोच रहे हैं कि वो आगे अब अच्छा काम नहीं कर रही आदिवासी के लिए? देखिए, राजनीतिक तौर पे विकास का पैमाना होता है, जब अलग राज्य का निर्माण होता है तो सबसे पहला रोजगार का प्रश्न होता है, यहाँ के कारोबार का अधिकार होता है, लेकिन आज देख रहे हैं लोग पलायन कर रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे अन्य लोग भी जो स्थापित हुए 23 वर्ष तक, किसी ने भी इस मुद्दे पर नीतिगत फैसले नहीं लिया। अभी भी हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मार खा रहे हैं, पुलिस से गाली खा रहे हैं, जो जमीन लूट हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और अभी तो तत्काल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं क्या नाम है चंपई सोरेन, इनमें भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है जेएमएम अब आदिवासियों के लिए काम नहीं करेगी, सोचेगी नहीं? बिल्कुल नहीं, नाम का आदिवासी पार्टी है लेकिन आदिवासी जन विरोधी पार्टियां हैं। क्यों? हम लोग जमीन को मसले को लेकर के कोर्ट फीस बढ़ा दिए, हमारा गरीब आदमी कहाँ कोर्ट केस करेगा जी? आप बहुत सारा मामले स्थानीय नियोजन नीति पर आपने कभी नहीं किए, आप कैबिनेट से पास करके केंद्र को भेजते हैं, क्यों? आपने जो है कैबिनेट में पास करके अध्यादेश क्यों नहीं लाया? अध्यादेश लाके नौकरी लगा सकते थे, लेकिन सभी को ताना बाना करके आदिवासी आदिवासी का इस्तेमाल किया है, और हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आप पूछेंगे कि आदिवासी पार्टी से ही क्यों बढ़ सकता है, रांची भी आदिवासी का 8 लाख वोट था, हम लोग ने गलती किया गठबंधन को मदद करके, हम आदिवासी पार्टी को खड़ा करना चाहिए था लेकिन देर हो चुका था। आप लोग तो साथ ही है लोकसभा में, कांके में 1.5 लाख वोट है हम आदिवासियों का, कौन जीतेगा जी? हमारा फोर्स जीतेगा ना, हमारा देखते हैं 1.25 लाख वोट हमारा हटिया में है। तो ऐसे बहुत आदिवासी सीट के अलावे गैर आदिवासी सीट में भी हम प्रभाव दे सकते हैं, और ये नौजवान देगा, ये देख रहे हैं ना, ये काला काला देख रहे हैं ना, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको ट्रेंड करेंगे और एक नई राजनीतिक शुरुआत करेंगे। और कभी नहीं चलेगा मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, सब नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासियों की पार्टी चलेगा। चलिए, नई पार्टी बहुत जल्द यहाँ पर आएगी, मैंने शुरू में ही कहा था। भारत आदिवासी पार्टी के बारे में प्रेम साहिदा ने बता दिया है, कुंद्रा सिंह मुंडा हमारे साथ है। दीदी, एक बात बताइए कि आप जिनको अभी बुरा बुरा बोल रहे हैं ना, कांग्रेस है या फिर जेएमएम है, बीजेपी जो भी है, एक वक्त था जब आप लोगों ने जेएमएम को बहुत साथ दिया, अभी लोकसभा में आपने कांग्रेस को बहुत साथ दिया, अभी अचानक वो गलत कैसे हो गया? देखिए, ये अचानक से सही और गलत की बात नहीं है, और हम लोग कभी किसी को समर्थन करते हैं तो मुद्दों पर करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रहित की बात थी, देश बचाने, संविधान बचाने की बात थी, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन को साथ दिया। दूसरी बात है जेएमएम और कांग्रेस जो यहाँ पर है या अन्य दल के जो उनके गठबंधन के लोग हैं, हम लोग 5 साल तक भरोसा और विश्वास करके, आपको याद होगा कि पिछला रघुवर दास के सरकार में सीएनटी एक्ट पर संशोधन एक्ट लाया गया था और उसका हम लोग पुरजोर विरोध भी किए थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया था। हम लोग सामाजिक संगठन के बैनर तले हम लोगों ने उसे वापस कराया था और उसी के तहत हम लोग वो संशोधन एक्ट को वापस कराए और जेएमएम को सत्ता पे लाए कि वो हमारी बात करेगी, आदिवासियों की बात करेगी, हमारे कानून सुरक्षित रहेंगे, हमारे लिए अच्छे कानून बनेंगे, हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, इस पर हम लोग इस आधार पे उनको लाए थे विश्वास करके। 5 साल देके कुछ नहीं किया,
जमीन बचाने की बात करते हैं, यहाँ जमीन धड़ल्ले से और लुटाता जा रहा है। हमारी व्यवस्था की जमीन जो खरीद बिक्री से बाहर है उसे तक नहीं छोड़ा जा रहा जमीन दलालों के द्वारा। यहाँ भू माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, पत्थर माफिया, सब माफिया यहीं इसी राजनीतिक पार्टियों के पास है और सारे लोग हमारे झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब अगर हम लोग जेएमएम और कांग्रेस और भाजपा को साथ दिए, आंसू को साथ दिए, तो आने वाले दिन में हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। आज तक यहाँ पर विस्थापन नीति नहीं बनाया गया, पेशा एक्ट नियमावली नहीं बनाया गया, तो 24 साल में आप कुछ नहीं किए 24 साल में। अच्छा एक चीज़ है, अगर भाजपा की सरकार होती है तभी हम आदिवासी संगठन सड़क पर होते हैं, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार होती है तभी हम आदिवासी संगठन। तो आप लोग जवाब देंगे ना कि आप लोग क्यों मुद्दों पे उस समय सड़क पर नहीं आते? क्या आप डायरेक्ट सिर्फ बीजेपी को गाली देते हैं या फिर जो काम नहीं करता, अगर जेएमएम भी काम नहीं करी तो उसको सामने से? अभी फिलहाल तो लोग भी नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी बहुत कम ही सड़क पर उतर पा रहे। लोग जो सोशल मीडिया में रघुवर दास को लेकर लिखते पढ़ते थे, अभी कांग्रेस या जेएमएम कह ले उसके बारे तो लिख नहीं रही है, ये तो फिर आपका समर्थन देने वाली बात हो गई। बिल्कुल नहीं, हम लोग हमेशा गलत का हम लोग विरोध किए हैं और जेएमएम और कांग्रेस ने भी अगर गलत किया है उस समय भी हम लोग विरोध किए हैं। और इस 5 साल में हमारा कई तरह का आंदोलन चला, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे थाना पुलिस का मामला हो, हम लोग हमेशा सड़क पर उतरे हैं और कांग्रेस और जेएमएम को भी गाली दिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमारा सरकार है तो हम चुप रहेंगे। बहुत लोग चुप रहे, समर्थन किए, चुप्पी साधे रहे, लेकिन हम सामाजिक संगठन के लोग जो हम लोग कुछ लोग हैं जो हम लोग कभी चुप नहीं रहे। गलत को गलत बोलने हमें आता है और यही कारण है कि आज हम लोगों को विकल्प खोजना पड़ रहा है। और ये विकल्प हमको लगता है कि 10 साल पहले ही खोज लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि हम लोग अब मरने के कगार पे आ गए हैं इसलिए अब हम लोग विकल्प खोज रहे हैं। और विकल्प के तौर पे हमें भारत आदिवासी पार्टी मिला, जो आदिवासी समाज के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। तो इस पार्टी के माध्यम से हमारा सामाजिक संगठन भी रहेगा, उसका भी बैनर रहेगा और पार्टी के तहत भी हम लोग आंदोलन करेंगे और अपने आदिवासी समाज को न्याय दिलाएंगे। और लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे जो हमारी आवाज़ बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुलभूषण दा है, उनसे बातचीत करते हैं। दादा एक बात बताइए, जिस वक्त अभी झारखंड को सभी आदिवासी को एक साथ होने की बात है, चूँकि हेमंत सोरेन जेल में है, सभी आदिवासी एक होना चाहिए, आप लोग अलग थलग वाली बात कर रहे, भारत आदिवासी पार्टी आ जाएगा तो क्या लगता है जेएमएम को तो सीधे तौर पे नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, तो क्या इसमें डायरेक्टली बीजेपी नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, बीजेपी या जेएमएम या कांग्रेस क्यों, आदिवासी पार्टी क्यों नहीं? क्या जेएमएम और कांग्रेस वोट कटवा नहीं हो सकते हैं? आप उड़ीसा में देखिए बीजेपी कैसे जीती, वहाँ बीजेडी और कांग्रेस की जो लड़ाई हुई उसमें कांग्रेस वोट कटवा साबित हो गया, तो यहाँ जेएमएम वोट कटवा क्यों साबित नहीं हो सकती है? आप लोग आज इतने दिन से देख रहे हैं कि झारखंड अलग राज की लड़ाई बोलते हैं, कौन 2 करोड़ रुपया में बिका वो अच्छी तरह से जानते हैं झारखंड अलग राज के लिए, और एक दिन में भू खनन का पट्टा बन जाता है नियम वाली और अपने नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है भूखनन का, और हमारे आदिवासी समाज का हक और अधिकार की नियमावली बनाने के लिए 5 साल बीत जाता है और उसके 2-4 महीना केवल चुनावी घोषणा और झड़ी लगा दी जाती है। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं बतलाना चाहूँगा कि भाषा की पढ़ाई होगी कह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, उस पर भी एक कौज लगा दिया जा रहा है कि सर्वे होने के बाद किया जाएगा। संस्कृत की पढ़ाई क्या सर्वे होने के बाद कराए थे? हमारे गांव की ओर चलिए आप, गुमला सिमडेगा की ओर, खूंटी की ओर चलिए, वहां कौन है भाई पढ़ने जाने वाला, हमें संस्कृत से क्या लाभ है? लेकिन चलिए, अच्छी बात है, जानकारी के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो नव जनजाति है उसकी पढ़ाई आप 100% क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों आप सर्वे की बात कर रहे हैं? आज स्थानीय नीति नहीं लागू हुई है, जिसे आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइएगा तो दिल्ली, बॉम्बे, गोवा और अन्य जगह में
यहाँ से रेजा कुली काम करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी हमारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट होकर के चली जा रही है, बहुत सारे आ रही है, और बहुत सारी लोगों का उधर ही कहाँ गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग जेएमएम और कांग्रेस को भरोसा किए, आशा और विश्वास किए और इसकी सरकार को बनाए। आज हम कुछ दिन पहले, 2 साल पहले लगभग 81 विधायक से मुलाकात करके ज्ञापन दिए, कुछ आदिवासी समुदाय की कुछ समस्याओं को लेकर के, साथ ही टीएससी मेंबर के भी सदस्यों को ज्ञापन देने का काम किए हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा है और वे लोग कोई काम नहीं किए। तो इन्हीं से इसलिए आप लोग भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ लाना चाहते हैं, और जो मुद्दों पे काम नहीं हुआ है उन पे आप लोग ध्यान केंद्रित कराना चाह रहे हैं। जी, यहाँ पर जब भी है कि कांग्रेस और जेएमएम मलाई खाने का काम कर रही, बीजेपी जो ईसाई और सरना ईसाई का लड़ाई करा देता है और हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करा देता है और काम के आधार पर कोई वोट नहीं दे रहा है, सिर्फ धर्म और जात के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और बीजेपी इस लड़ाई को आगे रखती है और सत्ता हासिल की, जैसे केंद्र में अभी इस बातों पर सत्ता हासिल की, और उसी का मजा कांग्रेस और जेएमएम ले रहा है, जैसे इसी पर एकजुट हो गए कुछ ईसाई समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, आर्यन लोग, और जिससे यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस जीती और उसका फायदा हो रहा है। तो हम लोगों का आदिवासी समुदाय का काम क्यों करेंगे? जेएमएम और कांग्रेस वाले जानते हैं कि जात धर्म के नाम पर फिर लड़ाएगा बीजेपी, फिर सत्ता हम लोगों के हाथ में आ जाएगा, तो इसी तरह से उनको सत्ता का मजा लेते रहना है और आपस में जात धर्म का लड़ाई लड़ाते रहना है, और आदिवासी समाज जो वन व्यवस्था के तहत जो शूद्र कैटेगरी में जो काम करता था उसी काम पर वो लोग जाएंगे, और दूसरों के घर में बासन बर्तन मांजने वाला एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि बासन बर्तन हमारे बहन बेटी लोग मांजेंगे दूसरों के घर में जा करके, और वे लोग राजपाट को संभालेंगे। चलिए, तो जो जो लोग सड़क पर रहते हैं ना, जो लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, जैसे कुलभूषण दास जैसे लोग हैं, ये लगातार सड़क में रहते हैं, और एक्चुअल जो यहाँ के आदिवासियों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, दादा ने बिल्कुल बताया है किस तरह से पलायन करके यहाँ के महिलाएं जाती हैं और क्या स्थिति होता है और कैसे वो यहाँ पर आती हैं। तो इन मुद्दों पर अगर भारत आदिवासी पार्टी अगर काम करती है तो हमें लगता है आदिवासी समाज को बहुत लाभ होगा, झारखंड को बहुत लाभ होगा। फिलहाल दादा से बातचीत करते हैं, क्या लगता है दादा, इतने सारे मुद्दे हैं, कोई पार्टी काम नहीं कर पा रहा, आपका जो आदिवासी भारत पार्टी जो अभी बहुत जल्द झारखंड में नजर आएगा, कितना काम करने में सफल हो पाएगी? क्योंकि वादे तो पार्टियों ने भी किया है, अभी भी आप वादे कर रहे हैं, ये सफल होगा नहीं होगा, क्या गारंटी है? जोहार, मैं कहना चाहता हूँ, क्या राजनीतिक पार्टियों को मैं जब जिता के लाता हूँ, क्या वो राम मंदिर के लिए, क्या हमारे रांची मंदिर के लिए? वो कहता है कि हम राम मंदिर बना रहा हूँ, ये कहता हूँ कि मैं रांची मंदिर, रांची क्या मंदिर है, पहाड़ी मंदिर को मैं जीर्णोद्धार करूंगा, इसको पर्यटक स्थल बनाऊंगा, क्या मैं इसके लिए लेके आया हूँ कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को यहाँ पे संरक्षण मिले, उसका जल जंगल जमीन बचे, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको रोजगार का अधिकार मिले, ना कि उनको जाति और धर्म पे लड़ाया जा रहा है, कभी सरनाई से किया जाता है, कभी उनको मेन मुद्दा में, और हमारे बात आज देखा जा रहा है। मैंने बार बार मैं सरकार से मैं आवेदन लिख के, मैं रिटर्न लिख के, मैं उनका आग्रह भी है किया कि मैं ग्राम सभा को सशक्त लागू किया जाए, जब तक यहाँ ग्राम सभा सशक्त लागू होगा और ग्राम सभा के माध्यम से, चाहे वो खनन का हो, चाहे जमीन बिक्री का हो, चाहे जमीन जल बालू घाट हो, तमाम इस तरह की जितना भी हमारे यहाँ खनन है, लेकिन आज तक सरकार ने इसे अनदेखी की। जब तक हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे रोजगार नहीं बचेंगे। आज उनके सारी जमीनें खत्म हो गई, आज सरकार उनके लिए सरकार सुनने वाले नहीं है, ना उनका कभी प्रखंड में सुनता है, ना कोई थाना सुनता है, ना कहीं भी ना कोर्ट सुनता है। तो आज हमारे लोग थक हार गए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप क्या करें, इसलिए अब लोग तीसरा विकल्प की ओर जा रहे हैं कि हमारे ये हमारे जल जंगल जमीन की बात करेगी, ये हमारी अस्मिता की रक्षा करेगी, ये हमारी संस्कृति की रक्षा करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आगाह करना चाहता हूँ अन्य पार्टियों की कि भाई हमारे साथ छल करने के, मैं आपका बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं आपको अभी है अपने जन मुद्दों पर अधिकार पर मैंने आपको वोट दिया, लेकिन आपने हमारे साथ में खिलवाड़ किया, हमारे धार्मिक, हमारे सांस्कृतिक, हमारे साथ में हनन किया है, और मैं सबको एक तीसरा विकल्प के रूप में आके हम लोग सब जितने भी आदिवासियत है पूरे जोर शोर में हजारों की संख्या में आके हम लोग हमारे 9 जुलाई को हम लोग बृहत रूप से ज्वाइन करने वाले हैं और बताने वाले कि आप नहीं हमारे लिए, हम आदिवासी एकता आदिवासी पार्टी के मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, ये
राजधानी रांची में या कह ले आदिवासियों के बीच बहुत लोकप्रिय चेहरे हैं, मुद्दों पर हमेशा बात करते हैं, मुद्दों को लेकर सड़क पर रहे। रघुवर दास समय की सरकार हो या अभी वर्तमान जेएमएम की सरकार हो, लगातार मुद्दों पर ही बातचीत होती है। और अब इनकी शिकायत है कि मुद्दों पर वर्तमान की जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, इसलिए अब हम तीसरे विकल्प के रूप में नई पार्टी को लेकर आ रहे, भारत आदिवासी पार्टी, जिसे शॉर्ट में बाप भी कहा जाता है। 9 जुलाई को जो विधानसभा मैदान है, पुराना विधानसभा मैदान है, वहाँ एक बड़ी जनसभा रखी गई और उस जनसभा के माध्यम से यहाँ पर जितने भी बड़े सामाजिक संगठन के चेहरे हैं वो आदिवासी भारत पार्टी का दामन थामेंगे। उसके बाद झारखंड की जो राजनीति है बहुत कुछ यहाँ बदलने वाली है, क्योंकि हमेशा देखिए जेएमएम यहाँ पे आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा बनकर रही है, लेकिन अगर भारत आदिवासी पार्टी आती है और ये बड़े चेहरे अगर इस पार्टी में आते हैं तो ये देखने और समझने वाली बात होगी कि जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है और ये सारे लोग बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल है, लेकिन 9 तारीख को देखने वाली बात भी रहेगी। कई गाँव से जिलों से लोग आएंगे इस जनसभा में भाग लेने के लिए, देखते भारत आदिवासी पार्टी यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या मसीहा बन पाएगी या फिर ये भी वादों से मुकरने का काम करेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल हम है यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।